अब के कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक पुण्य काम आज भिवानी परिवार मैत्री संघ कर रहा है अपने स्थापना दिवस के ऊपर। हम आज नेत्रदान के लिए और अंग दान के लिए और देह दान के लिए आज एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं। मैं अपने समिति के सब लोगों को मंच पर एक साथ बुलाना चाहता हूँ। कृष्ण बासिया जी हमारे पीयू ब्लॉक रामलीला के प्रधान है, हमारे पीतमपुरा में जो मंदिर है उसके भी प्रधान है। एक बार लाइन में आइए आप लोग, आगे पीछे नहीं, एक एक पंक्ति बनाइएगा और बासिया जी को बीच में ले लीजिएगा। दोस्तों, देहदान, अंग दान और नेत्रदान, शरीर को संस्कार करना बंद करो और ये शरीर संसार छोड़ने के बाद भी समाज के काम आए। एनआर जैन साहब के नेतृत्व में दधीची देहदान समिति के साथ मिलकर भिवानी परिवार मैत्री संघ ये काम कर रहा है। अभी लॉन्चिंग होगी, पीछे स्टॉल लगा है। आपका भी मन हो देहदान करने का या नेत्र दान करने का या अंग दान करने का तो फॉर्म भरना मत भूलिएगा। आप सब के लिए तालियां बजाइए जोरदार। तो ये एक बड़ा काम अभियान हम छेड़ रहे हैं, आप ये आज जाके फॉर्म भरिएगा। ऐसा ही एक काम थोड़ी देर के बाद फिर हम सेवा का एक काम आज लॉन्च करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया, शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं, आइए मुकेश भाई। श्री मुकेश भारद्वाज एडवोकेट, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, पास में घोगा गांव के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, मेरे परम मित्र हैं। हमारे बीच में यहाँ वकील बैठे होंगे, एडवोकेट बैठे होंगे। अभी इलेक्शन हो रहा है बार का, उसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे मित्र होने के नाते मैंने इनको आमंत्रित किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार पटके से और ट्रॉफी से सम्मान किया जाए श्री मुकेश भारद्वाज जी का। Thank you.
सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? भाई साहब ने पंकज थर्ड रो में, थर्ड रो में, थर्ड रो कूद के बता रहे हैं उनसे पूछो, थर्ड रो में, थर्ड रो में आ चुके हैं पहले, आप इनाम जीत चुके हैं पहले। रीता फारिया, रीता फारिया सही जवाब है, बिल्कुल आइएगा। सही जवाब रीता फारिया, 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, उसके बाद फिर ऐश्वर्या राय बनी थी। ठीक है जी, धन्यवाद। एक ग्रुप इवेंट होगी, 7 महिलाएं कोई भी रैंडमली आ जाएं, आना चाहेंगी आप 7? 1, 2, 3 इस साइड से भी आप आइए, आइए आइए 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 सात बनाएगी, 17 क्यों आ गई? इधर 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 सिर्फ 7 यहाँ पे 7 7 अरे 7 बुलाओ, एक बार आ जाएगा। ये बुआ जी भी आ गई, चाची भी आ गई, सब आ गई। चलो आइए आइए, प्लीज आइए आइए। चलो भाभी भाभी चाहिए भैया, बाकी उल्टी भेजो। 7 7 हो चुकी जी, प्लीज प्लीज 7 7 ओनली 7 ओनली 7 ओनली 7 हो गया। प्लीज प्लीज आपके लिए और इवेंट भी है बाद में, और हो जाएंगे सिर्फ नहीं, प्लीज 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 7 के लिए प्लान किया था हमने। किसी की है, हम क्रेन से उठवा रहे हैं, जाके संभाल लो भाई, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठेंगे आप 7 1 2 3 4 5 6 7 आप भी प्लीज। हाँ आपने कुछ नहीं करना, आपने काउंटिंग करनी है हिंदी में, 1 2 3 यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फिर आप करेंगे 8 9 10 ऐसे बोलना है। प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, आप भी आ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, क्या बात हो, आप बैठ जाइए प्लीज, बाकी लोग देख रहे हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हो? स्टेज पे कराऊं, स्टेज पे आ जाइएगा आप, आ जाइए। नमस्ते, कैसे हो मीनाक्षी? बढ़िया आरती, ठीक हो? लाइन में 7 7 हो चुकी है ना, एक मिनट 7 हो चुके हैं शायद, हैं चलो 8 से कराते, चलिए 8 से कराते, कोई बात कोई, चलो कोई बात, काउंटिंग करेंगे आप, नहीं नहीं मैं हाथ दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर आपने 9 बोलना है, 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे बोलना है। लेकिन लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि जब नंबर 3 आएगा तो आपने 3 नहीं बोलना है, आपने चुटकी बजानी है, 5 आएगा तो ताली बजानी है, और 7 आएगा तो दोनों हाथों से चुटकी बजानी है। जैसे मैं बोल दूंगा 1 2 चुटकी बजी, 4 5 की ताली बजी, 6 दोनों हाथों से चुटकी, 7 की, फिर 8 9 10 11 12 जब 13 आएगा तो बोलना है 1 और चुटकी बजानी है, 14 15 के लिए 1 और ताली बजानी है, ऐसे चलेगा। एक जो संख्या है 1 25 पे आप 2 बोल के ताली बजा देंगे, ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है? 15 के लिए बोलेंगे 1 और ताली बजानी है, 15 नहीं बोलना, ठीक है? आपने 3 मुंह से नहीं बोलना, 5 नहीं बोलना और 7 नहीं बोलना। 3 के लिए चुटकी है, 5 के लिए ताली है, और 7 के लिए दोनों हाथों से चुटकी है, ठीक है जी? शुरू करते हैं, जो जो आउट होते जाएंगे अपना अपना स्थान लेते जाएगा, शुरू करते हैं। 1 2 4 5 प्लीज प्लीज अब दोबारा शुरू करते हैं, अपना स्थान ले लें, दोबारा शुरू करते हैं। 1 2 4 6 8 9 10 11 12 एक नहीं बोला आपने, एक एक बोल के चुटकी बजानी है, नहीं 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 बोला बोला मैंने बोला 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 प्लीज प्लीज चलिए दोबारा शुरू करते हैं, फटाफट करेंगे। 1 2 हिंदी हिंदी 1 2 4 5 प्लीज फिर शुरू करते हैं, फटाफट करेंगे। 1 2 4 5 सॉरी सॉरी सर, आइए आइए फटाफट करेंगे। 1 2 4 6 8 9 10 11 12 1 सॉरी सर, एक और चुटकी बजानी थी ना, ना 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 एक एक बोलना पड़ेगा आपको, एक बोला नहीं आपने, एक बोला नहीं, फटाफट शुरू करेंगे। 1 2 4 6 7 सॉरी 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 दिमाग का खेल है भैया, वो सबके पास होता नहीं है।
फास्ट, सबसे फास्ट, फाइनल फाइनलिस्ट हो गए। एक दो चार छः आठ एक, सॉरी सर। अच्छा एक मिनट, आरती ने आखिरी तक कंपटीशन लड़ा भाई, बताइयो आप। इनको देखिए, इनको देखिए प्लीज, चलो भाई दे दो। आपका नाम बताएंगे? ज्योति अग्रवाल। ज्योति अग्रवाल को ले लो, धन्यवाद ले लो, एक बार मिलकर तालियां बजाइएगा भाई प्रवीण शुक्ल। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं और एक छंद के साथ बात शुरू करता हूं। बहुत देर से आप ये क्विज का आनंद ले रहे थे, बहुत प्रश्न आपसे पूछे गए। राजेश जी ने आज सब आनंद के कवि बुलाए हैं। कई बार वीर रस के कवि फंस जाते हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ दो, फोड़ दो, गर्दन मरोड़ दो, नेताओं को सूली पर चढ़ा दो, आतंकवादियों को काट के फेंक दो बंगाल की खाड़ी में, इस तरह की कविताएं सुनाते हैं। मैं कहता हूं भैया, इस देश में वैसी कविताओं की जरूरत नहीं है, और भिवानी मैत्री परिवार में आप जाएं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, अभी पिछले दिनों वो भिवानी में एक दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला यहां मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो मुझे कुश्ती में लड़ाकर हरा कर दिखाए, अगले का डील डॉल खली बली जैसा देख कर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी चार लड़के इकट्ठे हुए, वहां भिवानी के लाला जी, 82 वर्ष के बुजुर्ग, छोटे कद के बड़े आदमी, हमारे महाशय जी जैसे, उनके पास पहुंच गए। सेठ जी बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए पहलवान से, बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5'2" का। लाला जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाए, अभी निपटाता हूं इसको। भिवानी वालों बात का आनंद लेना, जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। ये तालियां बजाने वाली बात थी। कवि सम्मेलन राजेश जी ने बता दिया शुरू हो गया है, तो आप तालियों के साथ शामिल हो जाएं। बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी तो एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरी भिवानी की तरफ से गाली दे दी, हम जिंदा बैठे हमारे गांव की नाक काटने आया। पहलवान की समझ में एक सेकंड में बात आ गई, सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसा गिरा खुद ही चारों खाने चित हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोला जी लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, बात समझ जाओ तो पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए। बोले लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। लाला जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। तालियां जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए। मैं कुछ छंद और एक कविता सुनाकर अपनी बात का समापन करूंगा। यहाँ कविता का सम्मान इसलिए भी होना चाहिए कि आपके प्रधान राजेश जैन चेतन जी वो स्वयं देश के एक बड़े कवि हैं, बड़े कवि हैं, बड़े इंसान हैं, और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमेशा बहुत सारे कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो जहाँ राजेश जी हैं वहाँ कविता है, वहाँ संस्कार है। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूँ, आप आनंद लीजिएगा। राजनीति में बड़े बड़े कारनामे होते हैं, अब हमारे केजरीवाल जी ने ही बड़ा कारनामा करके दिखाया, 70 में से 67 सीट ले गए। अगलों ने भाषण ही ऐसे दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़कों के बीच जाके बोले यदि तुमने इस चुनाव में मुझे वोट दिया तो 15 दिन में वाईफ आई। तो लड़कों ने समझ लिया, बोले ये पहला आदमी आया जो 15 दिन में एक एक वाइफ दिलवाने वाला। तो अगले ने काम तो ऊंचा किया, बाबूजी की समझ में आ गई, आपकी भी समझ में आ गई तो तालियां बजाइए। एक छंद से बात शुरू करता हूं, और अब जो थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय है ये शुद्ध आनंद का समय है, उस आनंद में आप शामिल होंगे तो कवियों को सुनाने में अच्छा लगेगा। मैं एक छंद से शुरू करता हूं, आनंद लीजिएगा, मेरे साथ शामिल होंगे तो अच्छा लगेगा आपको। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। थोड़ी देर मस्ती के साथ हाथ खोलकर बैठना, हम लोग 20 मिनट आपको आनंद के पल देने के लिए हैं, आप शामिल होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं ये मानकर सुना रहा हूं कि मैं भिवानी के नहीं, दिल्ली के नहीं, हरियाणा के नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं को सुना रहा हूं, आप ये मानकर सुनिएगा कि आप ब्रह्मांड के सबसे बढ़िया कवि को सुन रहे। मैंने सुनाने में कोई बहुत ज्यादा, लिखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, आप सुनने में मत लगाना, बस मैं किसी पंक्ति को 3-4 बार दोहराऊं तो मतलब एक ही है, जब तक आप सारे मिलकर तालियां नहीं बजाओगे अगली पंक्ति शुरू नहीं होगी, बस ये ध्यान रखें आप। मैं शुरू करता हूं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा।
सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में। देखिए सबको तालियां बजानी है, ये भिवानी परिवार का गणतंत्र का उत्सव है, तो एक बार जरा रिद्म में मेरे साथ आइए, सहभागिता कीजिए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिप। अभी तभी सॉरी सबकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा आ जाए फिर मैं आपको अपने रंग में रंग लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाल को मैं भेज दूंगा। वो जहां भी कहोगे वहां बाल को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति जो समझ जाए केवल वो समर्थन करें, मैं सदन को समर्पित करता हूं। ओ जहां भी कहोगे वहां बाल को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजोगे सिरो पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजोगे सिरो पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजोगे सिरो पे भी मैं। मैंने देखा कुछ लोग अपने आसपास देख रहे हैं, देखो आसपास देखने की जरूरत नहीं है, हास्य ऑब्जर्वेशन का विषय है। आप जानते हैं आदमी की जिंदगी में उसके सिर पर केवल दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ दूसरी बीबी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। अब लोग और ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं आसपास, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो पूरे मोहल्ले की मोहब्बत साथ लेकर बैठे हुए हैं। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां, एक चंद और सुनाता हूं, इसे मैंने बिहार से उठाया। आप जानते हैं बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, पहले दूसरा गठबंधन था, अब दूसरा गठबंधन है। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप आनंद लीजिए, आप जानते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। आनंद लें, मैं एक इशारा करता हूं और राजेश जी को समर्पित करता हूं, वो हमारे बड़े कवि हैं, बड़े भाई हैं। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। गठबंधन की सरकार में दो अलग अलग राजनेता बात कर रहे हैं। ओ एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे, तीसरी बार पढ़ रहा हूं भाई, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। समर्थन अगली पंक्ति पर देना दोस्तों, बारीक इशारा कर रहा हूं। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांच में से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू। हास्य दरअसल चारों तरफ बिखरा हुआ है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। मैं अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में पटना गया था, एक सज्जन मुझे टकरा गए। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? अगला छूटते ही बोला, जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूं भिवानी वालों, मुझे टेंशन शुरू हो गई, धनिया लक्ष्मण ये क्या नाम हुआ? थोड़ी देर में मैंने उसी से पूछ लिया, मैंने कि भैया धनिया लक्ष्मण, ये धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला, जब हल्दीराम हो सकता है। बिना कहे तालियां नहीं बजाते क्या आप? मोदी जी ने इस पर GST नहीं लगाया अभी तो उसने मुझसे ही प्रश्न कर दिया, बोले जब हल्दीराम हो सकता है, मैंने कहा फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता। मैं तो सच बताता हूं, पढ़ाता हूं उधर ईस्ट दिल्ली शाहदरे की तरफ एक कॉलेज में, बराबर में गर्ल्स का सेक्शन अलग है। अभी पिछले दिनों वहां एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई, आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। आप सोच कर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे कहा इसाफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। एक ने शर्माते हुए पूछा प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी, प्राणनाथ स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे, बोला जी बलमा। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी जानू। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। धारावाहिक था पूरा का पूरा अगले का। मेरे तो बनास में एक सज्जन रहते हैं, घर में 10 बच्चे और अगलों ने ऐसे नाम रख रखे हैं, रहीमुल्लाह, करीमुल्लाह, वसीउल्लाह, हफीजुल्लाह, हस्कर अल्लाह, लस्कर अल्लाह। 11वां पैदा हुआ, मैंने कहा शुक्ल जी इसका क्या नाम रखूं? मैंने कहा रख दे बसकर अल्लाह।
बजा दीजिए तालियां। एक रचना विशेष सुनाता हूँ आपको, क्योंकि समय की सीमा है, बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, बच्चे अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं। जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हरदन हल्ली डोटे गोड़ा देवगौड़ा। मैंने एक बच्चे से कहा, बेटे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। बोला हरदम हल्ले दही पकौड़ा देवगौड़ा। मैंने कहा बेटे ये क्या नाम हुआ? बोला सर एक वीक से याद कर रहा हूँ, जितने परसेंट याद हुआ सुना दिया आपको। एक वीक का टाइम और दे दो, 100% ठीक सुना दूंगा। देखो इस बच्ची ने सबसे ज्यादा ताली बजाई है, ये मैं जानता हूँ, कमाल करते हैं। ये सब कंप्यूटर युग के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इनका कोई जवाब नहीं है। सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। वो रोहिणी में टीचर ने कहा बच्चे से, बेटा ये बताओ कल तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन बच्चा तो आज का कंप्यूटर युग का बच्चा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2010 के बाद बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, सीधे बाप ही पैदा हो रहे हैं ये। इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगले ने बाईपास उत्तर दिया, बोले मैडम इसलिए नहीं किया क्योंकि कल घर में बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। मैडम ने सोचा मुझे मूर्ख बना रहा। उसने अगला प्रश्न किया, अरे लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर की रोशनी में कर लेता। मैडम उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। मैडम को पता नहीं पंगा किससे ले रही है। अरे बैटरी खत्म हो गई थी तो मोमबत्ती की रोशनी में कर लेता। मैडम मोमबत्ती जलाने के लिए घर में माचिस नहीं थी। माचिस नहीं रखती तुम्हारी मम्मी घर में? रखती है, पर मम्मी ने माचिस किचन से उठा के पूजा घर में रख दी थी, तो पूजा घर से ले लेता। मैडम नहाया हुआ ही नहीं था। अगले ने जवाब नहीं देना, नहाया हुआ क्यों नहीं था? मैडम कल घर में पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? पानी भरने वाली मोटर ही नहीं चली। मोटर क्यों नहीं चली? मैंने तो तुम्हें शुरू में ही बता दिया, कल घर में बिजली नहीं थी। बजा दीजिए तालियां। एक रचना विशेष सुना देता हूं और अपने काव्य पाठ का समापन करता हूं। कमाल है साहब ये बच्चे। फरीदाबाद में मेरे एक मित्र रहते हैं, पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने लड़के से कहा कि देख तू पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, मैं VIP लोगों में घिरा रहता हूं, रिजल्ट इशारे में बताना। लड़के ने पूछा पिताजी से कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया, देख यदि एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, दो विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, तीन विषयों में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोले जी समझ गया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार की जय। तो एक बार सांचे दरबार की जय बोल दीजिए। मेरे बड़े भाई सुरेश बिंदल जी सामने आकर बैठ गए हैं, परंपरा के माध्यम से वो IP एक्सटेंशन में एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया गोष्ठियों का, तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, भिवानी परिवार के भी संरक्षक हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे एक 3 मिनट की कविता सुनाकर अपने काव्य पाठ का समापन करता हूं। पिछले 2-3 सालों में देश में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, मोदी जी की सरकार बनी, फिर नोटबंदी हो गई, उसके बाद में GST लागू हो गया, तो जो जो मुझे दिखा मैंने उसे एक आनंद के लिए लिखा है। एक रिदमिक कविता है, आप सुनिए आपको आनंद आएगा। सुनिए मैं सुनाता हूं मस्ती के साथ, और थोड़ा सा ध्यान भंग होता है। जो लोग इधर आगे खड़े हैं वो भी यदि तालियों के साथ मेरा साथ दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, शुद्ध रिदमिक कविता है, तालियों की ताल के साथ सुने। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए। ना नोटबंदी का समर्थन है ना विरोध है, केवल देश में पिछले 3 वर्ष में जो मुझे दिखा उसे मैंने आनंद के लिए छंदबद्ध कविता के रूप में लिखा है। ओम प्रकाश आदित्य जी शैली में सुनाते थे, लोक धुन है ये, उसी शैली में मैं उनका शिष्य हूं। मैं आपको सुना रहा हूं आपकी मस्ती के लिए, सुनना। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। एक समय ऐसा था सब पर मोदी जी गुस्साए थे, याद है आपको 8 नवंबर की वो रात, 8 नवंबर 2016, जब रात के ठीक 8 बजे मोदी जी ने अद्भुत और ऐतिहासिक भाषण दिया और उन्होंने कहा, भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद इस देश में 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तालियां बजा दो भाई। देखो मैंने आपसे कहा आप तालियों के अलावा और क्या दे सकते हैं हमें। मुझे तो ये भाषण उस समय पर एक एक टेलीविजन ने 20-20 बार चलाया। मुझे तो डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मोदी जी टेलीविजन पर आ जाएं और ये बोल दें कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद इस देश में पति और पत्नी के रिश्ते लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भाई जो आदमी GST लागू कर सकता है, हृदय पे हाथ रख के सोचना, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, नोटबंदी लागू कर सकता है,
वो राष्ट्र हित में यह भी कर सकता है कि भाइयों और बहनों, मैं अपना हाथ हर भारतवासी के सिर पर धर के मानूंगा जैसा मैं खुद हूं। बिना कहे भी कर दो सफर, देखो प्रधान जी भी आनंद ले रहे, जैसा मैं खुद हूं आप सबको भी वैसा ही करके मानूंगा। कुछ समय बाद भारत का हर आदमी सोचेगा वो आखिर किसके लिए काला धन कमाएगा, जब ना पत्नी होगी ना बच्चे होंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बजा दीजिए तालियां। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। एक समय ऐसा था सब पर मोदी जी गुस्साए थे, काले धन को खत्म करूंगा ये कहकर गरमाए थे। काला धन है जिस पर उसकी मिटवा दूंगा हस्ती में, काला धन है जिस पर उसकी मिटवा दूंगा हस्ती में, ये सुनने के बाद बढ़ गई हलचल सारी बस्ती में। सबकी गुप्त तिजोरी खुलवा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया। एक एक पार्टी का की जो स्थिति हुई उसको मैंने लिखा है। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लगवा मार गया, झाड़ू वाले का भी झाड़ू दिखलाना बेकार गया, हसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। भिवानी वालों अगली पंक्ति पर या तो समर्थन मत करना, मन करे तो जरा मुझे बता देना, आप राजनीति को भरपूर मन से समझते हैं। अरे हसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, हसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, हसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। आपको बिहार लेकर चलता हूं, लालू जी का चुनाव चिन्ह पता है ना आप सबको, अभी क्विज हुई है यहाँ। लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के नाल कर दिया, एक ओवर में सेंचुरी बना दी के मोदी ने कमाल। अगला चरण सुनिए, मैंने अपने घर से उठाया है, जितनी भी महिलाएं हैं इनके नाम करता हूं। अरे करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, बहुत आनंद लेना, शुद्ध आनंद की पंक्ति है राजेश भाई। अरे करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, जितने लॉकर में थे उससे ज्यादा निकले बीबी से। देखो महिलाओं ने ताली बजाकर बताया कि ये सच है, और कई पुरुषों के मुंह से तो ओए होए निकल गई कि ये इसको कैसे पता लग गया। इनके घर की भी वही स्थिति थी जो मेरे यहाँ की थी, मैं सच बता रहा हूँ बिंदल साहब, आप फोन करके पूछ लेना, संजना को जानते हो आप। 8 नवंबर से पहले घर जाता था तो धर्मपत्नी एक ही बात बोलती थी, कवि सम्मेलन में जाते हो आते हो कोई कुछ तुम्हें देता है या खाली गाल बजाते ही घूमते हो, क्या ले आते हो किसे दे आते हो, मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। नोटबंदी के बाद इतने निकाल के दे दिए मुझे, पूरी दिल्ली जहर खा के मर सकती थी उससे। मैंने पूछा इतने नोट कहां से आ गए, ये बात यदि आप सबको भी सुनने को मिली हो तो समर्थन करना। अगली छूटते ही बोली शादी को 20 साल हो गए, आप तो मेरे मायके वालों को कुछ समझते ही नहीं हो, हर साल सावन में पिताजी देके जाते हैं, भादों में मेरी माँ भिजवाती है, भैया दौज में मेरी भाभी देके जाती है, रक्षाबंधन पे मेरा भाई देके जाता है। तालियां आप चाहूंगा पूरे सदन की। मैंने घूर के देखा उसकी तरफ, मैंने कहा इतने तो साले ने शादी में नहीं लगाए जितने तुझे रक्षाबंधन पे देके गया है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, जरा उठा दीजिए हाथ एक बार, आनंद का उत्सव है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, जितने लॉकर में थे उससे ज्यादा निकले बीबी से। मोदी जी ने दुनिया में भारत का झंडा गाड़ दिया, अगली पंक्ति समर्थन हो तो हाथ उठाएं। अरे मोदी जी ने भारत का दुनिया में झंडा गाड़ दिया, भ्रष्ट बैंक कर्मियों ने पूरा ही खेल बिगाड़ दिया।
चौकीदारों ने चोरी करा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। अंतिम चरण सुनिए, मुझे लगता है कि भारत एक विश्व शक्ति बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब हम अपने प्रधान के सुर में 125 करोड़ लोग अपना समर्थन मिला देंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो टीवी पर कहते थे कि काले नोट निकलवा दो, जो चौराहे पर कहते थे सबके नोट निकलवा दो, घर जाकर कहते चुपके से मेरे नोट बदलवा दो, घर जाकर कहते चुपके से मेरे नोट बदलवा दो, जब तक देश बदलने का हर मन में भाव नहीं होगा, कभी जो कहना चाहता है उस पर आपके समर्थन की मोहर चाहता हूं। अरे जब तक देश बदलने का हर मन में भाव नहीं होगा, होगा तो लेकिन तब तक सच्चा बदलाव नहीं होगा। तालियों के साथ हाथ उठाकर मुझे विदा करें, अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं। हमने भी दर की सूरत दिखा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए, लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के नोट सारे बंद कर दिए, उसकी झाड़ू में झाड़ू। अब मैं चाहता हूं कि उस कवि को सुने जो आप रात को देखेंगे, जिसको न्यूज इंडिया 18 पर एक प्रोग्राम आता नेताजी लपेटे में, वो तो रात को देखेंगे आप, लेकिन वो कवि आपके बीच में आज यहीं उपस्थित है और नाम है दीपक सैनी। एक बार मिलकर तालियां बजाइएगा दीपक सैनी के लिए। दरअसल क्या है कि आजकल टेंशन का माहौल है, मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजेश जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं, आपके प्रधान हैं, मैं आपको बताऊं प्रवीण शुक्ल जी गए अभी, वो भी बहुत बड़े कवि, मैं मंच का सर सबसे छोटा कवि हूँ, मैं बहुत छोटा कवि हूँ जी, मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल क्या है जी टेंशन का माहौल चल रहा है, सांसद जी हमारे सामने बैठे हैं, सर इतनी टेंशन होगी कि हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र मनाते हैं और गणतंत्र में अभी नेताओं की बात की बहुत सारे, प्रवीण भैया ने मोदी जी की बात की, मैं भी देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, आपको मजा आ जाएगी। वो नेता आपके भिवानी मैत्री संघ की पिकनिक में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। हर नेता का अपना अंदाज होता है बिंदल साहब, आप जानते ही हैं, हर नेता का भाषण देने का स्टाइल अलग होता है। मैं कुछ नेताओं को प्रस्तुत करके बहुत जल्दी से अपनी पारी खत्म कर दूंगा। एक नेता है बिहार में लालू यादव, आप सब जानते होंगे, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी, आपको पता है उनको चारा घोटाले में तिनके जितनी सजा हुई, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, उनका स्टाइल अपना अलग है भाषण देने का। जब वो भाषण दे रहे थे पटना में, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे, लालू जी ने एक घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। आपको लगे कि वो नेता आपके बीच में आते जा रहे हैं तो मुझे तालियों से बताना, मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में लेके आऊंगा। सबसे पहले देखिए लालू जी कैसे भाषण देते हैं, लालू जी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, तब अच्छा दिन, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा कब। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी नौवीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। हर नेता का अपना स्टाइल है जी। एक और नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, आपको पता है मैं लाफ्टर थ्री में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था बिंदल साहब, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। और आपको पता है कि सिद्धू जी एक बार बोलना शुरू कर दे तो भगवान ही रुकवा सकता है, आदमी में इतनी ताकत नहीं है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। ब्रा माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। हर नेता का अपना स्टाइल है जी, लेकिन एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में जिनका भाषण तीन पीढ़ियां समझ नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं समझ में आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए, मुलायम सिंह यादव भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा किसी को तो क्या, उनके बेटे को समझ में नहीं आया, अखिलेश यादव से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी भाषण दे रहे थे पिछले दिन और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, और कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे जनता, हमारे बात चिल्ली वो लहू बेड़ा हमारे पैनी का जाए जितने लिखकर हमारे राहुल ने मरवा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया जी, मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए, हमारा बेड़ा अरे उत्तर पड़ेगा जितने हमारे बात चिल्ली वो लहू पैनी का जाए जितने लिखकर राहुल ने मरवा दी। थैंक यू सर, मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो दोबारा शुरू है, हमारे बेटा अरे उत्तर प्रदेश जिसते हमारे बात चली वही पैन पर राय लिख कर राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा।
हर नेता का अंदाज अपना अलग है। हमारे दिल्ली के जो सीएम है उनका तो अंदाज ही अलग है, आप सब जानते हैं। केजरीवाल जी का एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोगे, शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। सबका स्टाइल अलग है सर। अच्छा दोस्तों एक आवाज मैं आपको ऐसी सुनाता हूं, आप कल सुनेंगे रात को 8 बजे लपेटे में, जिनकी आवाज आपने कभी किसी कलाकार के मुंह से नहीं सुनी होगी, मेरा दावा है। हमारे भारत के गृहमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका अपना अंदाज है बात करने का, स्टाइल उनका। आपको लगे कि हमारे गृहमंत्री आपके इस प्रोग्राम में आ गए तो मुझे तालियों से बताना, आपको लगे कि वो ऐसे ही बोलते हैं जब लोकसभा में राजनाथ सिंह जी बात करते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में है विकास का कार्य, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अभी कल मेरे सपने में आ गए, मैंने कहा सर पाकिस्तान रोज सीज फायर तोड़ रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को सीमा के पार कर देंगे, आतंकवाद सीमा पार हो जाएगा। मैंने कहा जी कितना पार हो जाएगा, कम से कम 56 इंच। लेकिन एक आवाज है जो उन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज, जो उनको पसंद करते हैं वो भी, जो नहीं पसंद करते वो भी, सब सुनते हैं। मोदी जी मेरे सपने में आ गए दोस्तों, और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्याओं पर बात की। मैंने कहा मोदी जी सबकी चोटी काट के ले जा रहा कोई, सबके बाल काट के कोई ले जा रहा है, न्यूज में चल रहा है, क्या हो रहा है ये? मोदी जी ने ऐसी सभा बुलाई, सबको भाषण देना शुरू किया। आपको लगे कि मोदी जी इस टॉपिक पे यही बोलते कि सबकी चोटियां क्यों कट रही हैं? मोदी जी आए, भाइयों बहनों मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा है, और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। सर पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए, मैंने केजरीवाल जी से पूछा, मैंने कहा सर सबकी चोटी काट, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी, ये सारी चोटी मोदी कटवा रहा है, जिस देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा, सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, ये इनके सारे मंत्री गंजे हैं, ये चाहते नहीं किसी के बाल रहे, देश के अंदर सारी चोटी मोदी कटवा रहा है। मैंने कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजे हैं, वो गंजा नहीं है, मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, लोकपाल मांगते मांगते सर का त्रिपाल उड़ा हुआ है। ये सारी क्या है, नेताओं ने टेंशन दी हुई है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने नेताओं को बहुत टेंशन दी, बाबा ने अपना मंच बनाया हुआ था, सबको योग सिखा रहे थे, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी, किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नीचे बैठ जा कपाल भाती कर रही है। तभी एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करने, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि भीतर की कुंडी बंद हो जाए, अब धीरे धीरे बाहर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक नेता खड़े हुए, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब कराया, एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर क्या ये सारी छोटी छोटी टेंशन है, समय की अपनी सीमा में एक कविता भी सुना देता हूँ। आजकल और बहुत तरह की टेंशन चल रही है, सिनेमा की बहुत टेंशन है, एक मूवी आ गई पद्मावत, आपको पता है उसकी कितनी टेंशन चल रही है भारी देश में। पद्मावत के बारे में आपको बता देता हूँ, उसमें एक राजा रतन सिंह होते हैं, एक रानी पद्मावती होती है, और एक होता है खिल। नहीं मैं जी क्यों लगाऊं? एक और मूवी आ गई, पूरे देश में बोर्ड लगा हुआ है, टाइगर जिंदा है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना, पूरे देश में होर्डिंग लगे हुए हैं, टाइगर जिंदा है। मैंने कहा भी टाइगर तो जिंदा ही है, मरा तो हिरन था। एक छोटी कविता मैं सुनाकर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, और फिर कभी आपको आएंगे कविताएं सुनाएंगे। राजेश जी एक कविता सुनाता हूं, आजकल राजेश जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज राजेश जी हमारे डेरा प्रमुख हैं, और आपको पता है कि आजकल धर्म के नाम पर कितना कितना आडंबर चल रहा है, तो वहीं से एक छोटी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। धर्म पे जो आडंबर चल रहा है, मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया।
उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वो मूर्ति मुझे एक टक घूरती, तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी देव। मैंने कहा न दूं तो, बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही एक रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूर के बोला मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे सरसों का तेल किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं, मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोपू सरीखा, जोर से चीखा माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो, मैं आदमी समय बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्पॉट बॉय का भी काम आता है। मैंने एक कविता लिखी है, दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में बिजली की तिरंगियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, कौन बताना चाहेगा? फरहान अख्तर। प्रभु भाई सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। फरहान अख्तर आइए प्लीज, नाम ले लीजिए फरहान अख्तर, सही जवाब। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या पिकनिक चल रही है, सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, शायद पहचान गए, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी जिंदगी का चैन है, बताओ मैं कौन? अगर यहाँ पार्टी का तमाशा देखने, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर सही जवाब, आपको बधाई हो बहुत बहुत। अब अगला सवाल बी साइड से होगा, पवन जी तैयार हैं जी? सो विनीता जी को बधाई बहुत बहुत। माय गॉड इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैबुलस, आई मीन ये तो कमाल हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो कोई भी बोले जाना है, आई मीन ऐसे थोड़ी ना होता है, आई मीन तो गलत है, जादू आएगा, आएगा जादू। आंचल, आंचल जैन। किसी ने आंसर बता दिया, कौन है वो? ऋतिक रोशन सही जवाब, आपका शुभ नाम आंचल जैन, बधाई बहुत बहुत आंचल को, ऋतिक रोशन सबसे पहले उन्होंने मिलकर फ्यू सेकंड्स में पहचान लिया था। मैम मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, मैं बता नहीं सकता, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं लेकिन मेरे को एक चीज पसंद नहीं आई, पिछले बारिश हो गई, मेरे को बिल पसंद नहीं आया है, मेरे को बिल पसंद नहीं आया, मैं मेरे को इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल पसंद नहीं आई। आतू कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, उधर देखिए करेक्टर का नाम, करेक्टर का नाम बताओ, करेक्टर कौन सा? अरे कपिल शर्मा तो हमको भी पता है, करेक्टर, करेक्टर। पर ये जो लैंग्वेज आ रही है ये कौन सा करेक्टर की है ये बताइए? राकेश अरोड़ा, राकेश अरोड़ा, ये ठीक आंसर किसने दिया? अरे छोरे आजा भाई, किसने तरन दिया गया? राजेश अरोड़ा। अरे किसका कल क्या इरफान अख्तर कविया है बे, अबे चल क्या रहा है ये बताओ, अबे समझ नहीं रहे हो, लिख लो सुन लो पढ़ लो ठीक है, इरफान खान कविया कौन है, जल्दी आओ आंसर बताओ। औलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में इधर से हाथ उठता पंकज जी, इधर से उठता आगे, हमको मेहनत प्यारी, पंकज भाई इधर इधर सबसे आगे, सबसे आगे, हाँ मोटा जी पहुंच रहे हैं। हाँ, जी नफरत की लाठी, नहीं नहीं गलत है जी, गलत है, और कोई या दोबारा प्ले करें, या कोई पहचान चुका है गाना? क्रांति पिक्चर का, हाँ क्रांति का कौन सा गाना था, थोड़ा सा कोशिश करें। देश का हर दीवान, बिल्कुल आप पहुंच रहे हैं लेकिन मुखड़े में नहीं आ पा रहे, आप अंतरे पे हैं अभी। रानी है दिन हमने जानी है, अब कोशिश करें, अब के बरस तुझे धर सब लोग साथ में, की रानी कर देंगे अब के बरस, अब के बरस तेरे ध्यासों को पानी भर देंगे अब के बरस। बधाई हो बहुत बहुत आपको, क्रांति का गाना था और महेंद्र कपूर जी की आवाज थी। अब अगला सवाल आगे की साइड से लेंगे,
गीत नंबर तीन प्लीज, तीन नंबर। बस बस जी, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले गले। बिल्कुल सही जवाब। आपका शुभ नाम? कोमल। कोमल, कोमल जी को बधाई। अंतरा सुनाया जा रहा, मुखड़ा पहचानना है, ठीक है? अब पवन जी आगे आगे की साइड से लेंगे इस बार, ठीक है? गीत नंबर चार प्लीज। ये चौथी रो में पंकज जी, पहली बार पवन जी। कौन दिशा से लेके चला रे बटुहिया को, दिशा में लेके चला रे बटुहिया, रे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखने दे, देखने दे, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए। अब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। ये राउंड था आपने अंतरा सुना और मुखड़ा पहचाना। अब इस राउंड में आपको एक धुन सुनाई जाएगी, धुन सुन के आपको गाना पहचानना है, सिर्फ धुन सुनाई जाएगी। तैयार हैं आप लोग? तो दूसरे राउंड अब ए साइड में चलते हैं। पवन जी आप देखेंगे मिडल वालों का इस बार नंबर आना चाहिए, आगे के भी होंगे पीछे के होंगे, मिडल की रो में जो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं उनके लिए गीत नंबर पांच प्लीज। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई बदन लड़ गई ओए कुड़ी, बदन से लड़ गई ऐसे खेचे तिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए होए, नशे से चढ़ गई ओए खुशी नशे से। कौन संकज भाई? अगला जो पेशकश है वो एक हरियाणवी नृत्य है और तंबोला की टिकटें आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं, 50 रुपये की एक है और 100 रुपये की तीन है और बहुत सारे प्राइजेज हैं तंबोला के लिए। तो लगभग 3:15 बजे हम तंबोला शुरू करेंगे, उससे पहले एक हरियाणवी डांस।